But let's speak of the other constituencies that are keenly watched. Nagpur is one such constituency, which was once a bastion for the Congress. It has now become a BJP stronghold, especially the last two elections. Nitin Gadkari, Union Minister and the sitting Member of Parliament there, represents the party from here. He is confident of a hat trick. He defeated seven-time MP Vilas Munetwar by a margin of over 2 lakhs in the 2014 elections. He retained the seat in 2019 when he defeated the current Maharashtra Congress chief, Nana Patole. He spoke exclusively to my colleague Arunima. Listen in to what he had to tell us. Nitin Gadkari has had a huge road show, tremendous response from the crowd. Sir, thak gaye honge ya crowd ka josh dekhte hai, dobara josh bhar gaya? क्राउड में इतना उत्साह था, अपनापन था कि उससे मेरा थकावट चली गई। लोगों का प्रेम और लोगों का विश्वास यही राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं भाग्यवान हूँ कि लोग मेरे पर जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए जो प्रेम करते और जो मैं कहता था कि मैं जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी के बियॉन्ड काम करूंगा, वो मुझे अनुभव हुआ। और मैं यही कहता था कि मैं नागपुर का और नागपुर मेरा, तो मुझे इसका आज झोपड़पट्टी में गरीब गरीब लोग, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन बेचारे खड़े थे और जो प्रेम उन्होंने व्यक्त किया, निश्चित रूप से मैं कभी वो ऋण चुका नहीं सकता। सर, आपने जिस तरीके से बताया, आप सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़े हैं वो शायद जातिगत समीकरणों पर विश्वास कर रहे हैं। दलित वोटर्स हो गए, मुस्लिम वोटर्स हो गए, ट्राइबल वोटर्स हो गए, उनकी संख्या नागपुर में काफी ज्यादा है, बट फिर भी आपको लग रहा है 5 लाख पार है इस बार? देखिए, जो लोगों को जात पंथ धर्म भाषा लोग होशियार हो गए, वो अपना भविष्य, अपना विकास जिस पार्टी और जिन नेता में उसके प्रति विश्वास होता है उसी के साथ जुड़कर काम करते हैं। ऐसे जात वही लोग आगे लाते हैं जो अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हर बार होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोग जात पंथ धर्म भाषा सब छोड़कर मुझे सपोर्ट करेगी और मेरी मार्जिन रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके समर्थक ये भी चाहते हैं कि रोडकरी के तौर पे तो आपने देश भर में अपना डंका फहरा ही दिया है, तीसरे टर्म में कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। नितिन जी के मन में क्या है, अब आगे और कोई प्रोजेक्ट है नेशन बिल्डिंग के लिए जो आप पूरा करना चाहते हैं? प्रोजेक्ट तो बहुत है, पर अभी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, उसके बाद जो जिम्मेदारी देंगे वो कार्य करूंगा। सर, आज मैनिफेस्टो भी रिलीज हुआ है, उसमें दो बातें की गई है। पहली पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी, वन नेशन वन पोल, कि पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। आपने इतने चुनाव देखे हैं, संगठन के आदमी हैं आप, क्या व्यू है आपका इस पे? बिल्कुल सही है, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट ये वो देश का बहुत नुकसान होता है और इसलिए बहुत स्वागतार्ह कलम है और एक ही बार देश में चुनाव होने चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर लोगों को एक ही बार मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने का, जैसे कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं और चुनाव से पहले उनको लगता है कि हमारी बात सुनी जाती है, दाम वापस घटा दिए जाते हैं, फिर हमें 5 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब भी चुनाव होगा तो जो हर सरकार का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, जनता करेगी और उसी के आधार पर निर्णय करेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी जनता करेगी तब अपने जो मूलभूत सवाल है उसके ऊपर सवाल करने का जनता का अधिकार है और जनता निश्चित रूप से कर सकती है, और जो अच्छा काम करेंगे उनको साथ देगी, जो नहीं होगा उनको बदल देगी। आपके संकल्प पत्र को कांग्रेस ने जुमलाबाजी कहा है। राहुल गांधी जी ने, हम तो गरीबी यूं झटके में हटा सकते हैं, इनके संकल्प पत्र में तो ना गरीबी का जिक्र है ना बेरोजगारी का। तो उनको सीरियसली जनता नहीं लेती तो हमने सीरियसली लेके उनकी बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वो पार्टी लगभग समाप्ति की कगार पर है और मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन और निराशा में वो विरोध करने के लिए कुछ बोलते रहते हैं जी। और सर, दो मेरे आखिरी सवाल हैं। एक ये है कि सारा ऑपोजिशन जो इंडिया फ्रंट है वो इकट्ठा होकर बार बार आपकी सरकार पर आरोप लगाता है कि आपने कुछ सरकारी एजेंसीज को अपना पार्टी का विंग बना लिया है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, उसका जवाब आप कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो यही बात कर ये वो गलत बोल रहे हैं। एजेंसी अपने अधिकार के अनुसार काम करती है, उसमें हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राजनीतिक नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करते, इतना मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड सर वो लगता है एक पेंडिंग एजेंडा रह गया है पिछली। पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में एक ही सिविल कोड होता है और ये अनेक मुस्लिम देशों में भी एक ही कोड है, तो आप इसका सभी लोग स्वागत करेंगे और एक ही कोड होना हमारे देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में एक बहुत अच्छी पहल होगी और लोगों का इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपने क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष की बात की, तीसरे टर्म में आप भारत को विश्व गुरु के रोल में कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया चल ही रहा था, अब इसराइल और ईरान का भी शुरू हो गया। मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश की भूमिका विश्व के में ही बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमारे G20 में हमारा ये था कि पूरा विश्व हमारा कल विश्व का कल्याण हो, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा कल्याण हो, हमारा इतिहास संस्कृति और विरासत विश्व के कल्याण की बात करते हैं और इसलिए भारत के नेतृत्व में निश्चित रूप से शांति प्रस्तावित करने की कोशिश विश्व में होगी और उसमें सफलता मिलेगी। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष यही निकाला जाए कि नितिन गडकरी जी भी कन्विंस्ड है अब की बार 400 पार और नागपुर में 5,00,000 पार। 100% बिल्कुल कन्विंस हो और हम ये मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार पूरे करेंगे और नागपुर में मैं 5,00,000 से ज्यादा वोटों से निश्चित रूप से जीतूंगा। हमारी बेस्ट विशेष सर आपको, नितिन गडकरी देर यू नो पॉपुलरली कॉल्ड रोड करी ऑन दी हाईवे टू येट अनदर विन परहैप्स, वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्रेडिक्टिंग दैट नॉट ओनली विल इट बी अब की बार 400 पार फॉर बीजेपी 3.0 बट फॉर हिम पर्सनली इन नागपुर इट कुड वेल बी अब की बार 5,00,000 पार। विद अर्पित सेठ, दिस इज अरुणिमा। That was one such interaction that we had with a contender in the upcoming Lok Sabha elections. Remember, Nagpur goes to vote in the first phase, which is on 19th. We'll get you more voices here on this edition of Setting the Election Agenda. For now, it's time for a quick break.